पहली बार समुद्र की गहराई में डार्क ऑक्सीजन मिला है। हैरानी वाली बात यह है कि ऑक्सीजन बिना सूरज की रोशनी और फोटोसिंथेसिस के पैदा हो रहा है। इसे धातु के बॉल्स पैदा कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस जगह की खोज करने के बाद से खुद आश्चर्यचकित हैं। वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष के साथ ही समुद्री जीवन भी हमेशा खोज का विषय रहा है। ब्रह्मांड की तरह समंदर भी रहस्यों से भरा हुआ है। अब उत्तरी प्रशांत महासागर के क्लेरियान क्लिपर्टन जोन में बड़ी खोज हुई है। यहाँ समंदर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को पहली बार डार्क ऑक्सीजन मिला है। इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं। यहाँ धातु के छोटे छोटे नेड्यूल्स मिले हैं, यानी छोटी छोटी गेंदें। ये गेंदें समुद्र की तलहटी में फैली हुई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गेंदें अपना खुद का ऑक्सीजन बनाती हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन नाम दिया है। धातुओं की ये गेंदें आलू के आकार की हैं। ये एकदम अंधेरे में ऑक्सीजन पैदा करती हैं। अंधेरे में ऑक्सीजन की मात्रा पैदा होने के कारण वैज्ञानिक इसे डार्क ऑक्सीजन नाम दे रहे हैं। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस के वैज्ञानिक एंड्रयू स्वीटमैन ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले हमें जब ये डेटा मिला तो लगा कि हमारे सेंसर्स खराब हो गए हैं। आज तक किसी ने भी समंदर की तलहटी में ऐसा कुछ नहीं देखा। बता दें कि समंदर की इस गहराई में हमेशा ऑक्सीजन नष्ट होता है। यहाँ इसके पैदा होने का पहला मामला देखा गया है। इसके बाद हमने इसकी दोबारा पूरी जांच की तो पता चला वास्तव में यहाँ ऑक्सीजन बन रही थी। एंड्रयू और उनकी टीम की ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी रिपोर्ट नेचर जियो साइंस में 22 जुलाई 2024 को प्रकाशित हुई है। ये धातु की गेंदें इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की मौजूदगी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक दूसरे से अलग कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि समंदर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया। आपको बता दें कि इन मेटल नोड्यूल्स के अंदर मौजूद मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिकल चार्ज निकलता है। ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। ये 10 से 20,000 फीट की गहराई में मौजूद हैं। बता दें कि क्लेरियान क्लिपर्टन जोन में समंदर के अंदर का मैदानी इलाका है। हवाई और मैक्सिको के बीच ये करीब 45 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। डार्क ऑक्सीजन की खोज 13,000 फीट की गहराई में हुई है। यहाँ पर लहरें नहीं होती, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। ऐसे क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीजन का पैदा होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।